For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. दोस्तों, बॉलीवुड में शादियों का सिलसिला तब से शुरू हो गया जब से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने शादी कर ली। जी हाँ, ये सिलसिला चल तो रहा ही था लेकिन काफी लंबे अरसे से बंद था और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी से डेफिनेटली ये सिलसिला वापस शुरू हो गया। उसके बाद बारी आई सोनम कपूर की, जिन्होंने शादी कर पूरे देश को एक त्योहार के माहौल में रंग दिया। उसके बाद कुछ सितारे ऐसे भी थे जिन्होंने चोरी छुपे शादी कर ली बिना अपने फैंस को इन्फॉर्म किए, जैसे कि हिमेश रेशमिया और नेहा धूपिया। लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिनकी शादी से वापस देश में त्योहार का माहौल क्रिएट हो गया है, जैसे कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। हाल ही में दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आने वाले कुछ समय में और कौन सी शादियाँ आपको बॉलीवुड में देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक ऐसा कपल है जिन्होंने फाइनली अभी अभी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया है, यानी अभी अभी खुलकर सामने आए हैं। जी हाँ, वरुण धवन और नताशा दलाल। वरुण जब से इंडस्ट्री में आए हैं वो डेफिनेटली हार्टथ्रॉब बन गए हैं, उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों की वजह से वरुण जो है वो नताशा को पब्लिकली सोशली एक्सेप्ट करने से कतरा रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है वरुण ने सोच लिया है, जब प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, प्यार किया तो डरना क्या सोच कर ही शायद वरुण धवन ने हाल ही में कॉफी विद करण पर ये बात एक्सेप्ट की कि ही इज डेटिंग नताशा दलाल। फाइनली लड़के ने कमिटमेंट दे ही दिया। देखा, काफी टाइम पहले जब सोनम कपूर की शादी की रिसेप्शन थी तभी भी वरुण धवन नताशा दलाल के साथ फर्स्ट टाइम ऑफिशियली उन्होंने सोशल अपीयरेंस की थी, जहां पर यह माना जा रहा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया है। और इस बार कॉफी विद करण पर आकर वरुण ने ये बात साफ कर दी कि जी हाँ, ही इज डेटिंग नताशा दलाल। बस देखना ये होगा कि ये दोनों लोग कब अपनी शादी की खबरें जो है वो अपने फैंस के साथ बांटते हैं। हालांकि वरुण ने ये कहा है कि उन्हें शादी की जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि वरुण धवन जो है वो अगले साल तक यानी 2019 तक शादी डेफिनेटली करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा कपल है जो कि थोड़ा सा वियर्ड कपल कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि ये डेट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन हमारे सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये बात कंफर्म है कि जी हाँ, ये दोनों ही लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बात कर रही हूँ मैं अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा खान की। जी हाँ, आफ्टर अरबाज खान डिवोर्स इंसिडेंट, जब अरबाज के साथ मलाइका का डिवोर्स हो गया, उसके बाद से ही काफी टाइम तक मलाइका जो है वो सिंगल थी। हालांकि कहीं ना कहीं ये रीजंस भी बताए जाते हैं कि दोनों के डिवोर्स का रीजन ये था कि मलाइका का अर्जुन से नजदीक होना और उनके साथ करीबी रिश्ते बढ़ाना, ये बात अरबाज को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन हमें र्यूमर्स से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ अच्छी खबरों से मतलब है। और अच्छी खबर ये है कि बहुत जल्द अर्जुन कपूर और मलाइका एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट करने वाले हैं। वेल, हाल ही में इनफैक्ट अर्जुन कपूर की जो फिल्म आई थी नमस्ते इंग्लैंड, उस फिल्म के प्रीमियर लॉन्च पर मलाइका उनके साथ दिखी थी और काफी ओपनली अर्जुन ने वो उन्हें हक कर लेकर जा रहे थे, जिससे देखकर ये लगा कि शायद अर्जुन जो है वो रेडी हो चुके हैं शादी के लिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं, अर्जुन के 33वें जन्मदिन पर उनकी दादी जो है उन्होंने उनसे ये कहा था कि उन्हें कहीं ना कहीं अब शादी कर लेनी चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में देखकर लगता है कि डेफिनेटली अगले साल अर्जुन कपूर और मलाइका अपनी शादी का ऐलान करने वाले हैं। वो कपल जो कि काफी लोगों के फेवरेट हैं। जी हाँ, इन्होंने अपनी पहली मूवी से ही एक दूसरे को डेट करना चालू कर दिया था और साथ ही साथ पहली मूवी से ही एक दूसरे को कमिटमेंट दे दी थी और आज तक ये कमिटमेंट कायम है। बात कर रही हूँ राजकुमार और पत्रलेखा की। दोनों ही इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आसपास एक साथ लॉन्च हुए थे और राजकुमार जहां आज एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके हैं एज एन एक्टर, एज एन सेलिब्रिटी, एज अ कमर्शियल एक्टर, वहीं पत्रलेखा जो है वो अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही हैं और कहीं ना कहीं, लेकिन एज अ एक्टर पत्रलेखा को काफी रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ सिटी लाइट्स नाम की जो मूवी आई थी दोनों की ही, उसी मूवी से दोनों ने ये बात कबूल कर ली थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्योंकि दोनों का करियर अच्छा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि 2019 के मिड तक पत्रलेखा और राजकुमार जो है वो शादी के बंधन में बन सकते हैं। फाइनली वो कपल जो मेरा फेवरेट है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका भी फेवरेट होगा। बात कर रही हूँ मैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। जी हाँ, आलिया भट्ट जो कि बी टाउन की वन ऑफ द क्यूटेस्ट एक्टर्स हैं और वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं, वहीं रणबीर कपूर जो कि बी टाउन के हार्टथ्रॉब हैं, कैसनोवा हैं और साथ ही साथ वन ऑफ द बिगेस्ट
एंड द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आवर इंडस्ट्री। जी हाँ, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जो कि फिलहाल ब्रह्मास्त्र के लिए एक दूसरे के साथ शूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को काफी पसंद कर रहे हैं, दोनों फैमिली गेट टुगेदर्स में मिल रहे हैं और ये बात खैर सभी जानते हैं अब तक कि रणबीर और आलिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन शादी कब होने वाली है ये मैं आपको बताती हूँ। उनकी शादी की अटकलें लगाई जा रही हैं 2019 के मिड तक या फिर एंड तक। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों एक्टर्स जो है शादी के बंधन में बनना चाहते हैं। रणबीर कपूर की जो मम्मी है नीतू जी, वो चाहती हैं कि रणबीर अब फाइनली अपना घर बसा ले और क्योंकि वो आलिया को डेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दोनों की शादी की जो तैयारियां हैं, शादी की बातें हैं वो डेफिनेटली चालू हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि ये पूरा कब होता है। सो दोस्तों, ये थी उन कपल्स की लिस्ट जो कि 2019 में डेफिनेटली शादी करने वाले हैं। तो आप बताइए, आप सबसे ज्यादा किसकी शादी के लिए एक्साइटेड हैं और कमेंट्स करके मुझे अपने आंसर्स डेफिनेटली दीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मूवीज अड्डा। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।